हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको हिंजा टी के बारे में बता रही हूँ, इसे कैसे बनाया जाता है और इसमें प्रयोग आने वाले कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, ये देखिए। इसमें पांच इंग्रेडिएंट्स हैं, इलायची, इलायची, तुलसी पत्र, गुड़ और दालचीनी, मिंट यानी कि पुदीना और ये नींबू। देखिए दोस्तों, ये इलायची है। इलायची हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदा करती है। इलायची कब्जियत को दूर करता है, माउथ फ्रेशनर के काम आता है, वजन करने में तो बहुत ही फ़ायदा होता है। इसमें विटामिन बी होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, विटामिन B1, B6 और BC भी होता है। बालों को मजबूत करने के काम में भी आता है। दोस्तों, यदि रात को आप दो इलायची गर्म पानी के साथ पीकर सो जाएंगे तो आपका मोटापा कम करने में भी यह बहुत गुणकारी है। दोस्तों, अब मैं आपको तुलसी के बारे में बताती हूँ। तुलसी के हमारे शरीर में क्या क्या फ़ायदे होते हैं। प्रतिदिन तुलसी को खाना चाहिए। तुलसी को कूट कर ही प्रयोग में लाना चाहिए, इसको चबाकर कभी भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें मरकरी होता है। मरकरी हमारे दांत के लिए बहुत हानिकारक होता है, ये दांतों को ख़राब कर देता है। इस तुलसी में एंटीऑक्सीडेंट होता है, शरीर को रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। यह इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी होती है। दोस्तों, मैं सूक्ष्म ही बताऊँगी। दालचीनी जो हमारे इस चाय में प्रयोग में लाई जाती है, इसके हमारे लिए जीवन में बहुत ही अनेक फायदे हैं। वात रोगों को ये ख़त्म करता है, कफ के रोगों को ख़त्म करता है। देखिए दोस्तों, इसको पाउडर के रूप में ही उपयोग में लाना चाहिए। यदि इसको आप ऐसे ही डालेंगे तो इसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसको हम पाउडर बना के पाउडर के रूप में ही प्रयोग में लाएंगे। सुनिए दोस्तों, यदि इसको गुड़ के साथ खाया जाता है तो ये दमा अस्थमा बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। अब दोस्तों, मैं आपको दूसरे इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताती हूँ। यह हमारा पुदीना है। पुदीना बहुत से इस पुदीने में बहुत से गुण होते हैं। इसके अंदर लवण पाए जाते हैं, ये लू से बचाता है। इसमें कई रोगों को जड़ से उखाड़ फेंकने की क्षमता होती है। ऊर्जा प्रदान करता है, चर्म रोगों को दूर करता है, पेट के कीड़े समाप्त हो जाते हैं, पाचन तंत्र को बिल्कुल ठीक कर देता है। यह एंटी फ्लेमेटरी गुण होता है इसमें। यह हड्डियों को मजबूत करता है, कोलेस्ट्रॉल को ख़त्म करता है। दोस्तों, यह बहुत ही हमारे लिए, शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों, यह हमारे एक इंग्रेडिएंट्स है, यह गुड़। दोस्तों, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि गुड़ हमारे लिए कितना गुणकारी है। दोस्तों, ये हमारे शरीर के लिए हीमोग्लोबिन का सबसे बड़ा स्रोत है, जो हमें चीनी की जगह इस्तेमाल में लाना चाहिए। आप देखिए, इसमें पोटेशियम, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट और मिनरल पाए जाते हैं। गुड़ शरीर का खून साफ करता है, मोटापा कम करने में भी ये सहायक है। दोस्तों, इसलिए ये गुड़ भी हम इस्तेमाल करते हैं इस चाय में। तो दोस्तों, हिंजा टी के बारे में अब मैं आपको बताती हूँ इसको कैसे बनाया जाएगा। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको अपने किचन में लेकर चलती हूँ। दोस्तों, ये छठा इन्ग्रीडियंट्स है नींबू। नींबू आप ऑप्शनल रख सकते हैं, आपको डालना है तो डालिए, नहीं डालना है तो मत डालिए। इससे भी बहुत ज़्यादा विटामिन सी मिलता है, हमारे शरीर के लिए बहुत रोग प्रतिरोधक क्षमता उससे हमको मिलती है। चलिए दोस्तों, अब हम अपनी चाय बनाने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें तुलसी डालेंगे, इलायची डालेंगे और ये दालचीनी डाल देंगे और ये तुलसी डाल देंगे। दोस्तों, हम इसमें एक गिलास पानी डाल देंगे और इसको हम फ्लेम ऑन कर देंगे। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो हम इसमें ये सारी चीज़ें छूट के डाल देंगे। देखिए दोस्तों, इसकी फ्लेम अभी हमने तेज कर रखी है। इसके बाद हम इसकी फ्लेम को उबाल आने के बाद कम कर देंगे। दोस्तों, इसका बहुत फ़ायदा है। देखिए, ये जो आप चाय पीते हैं रोज़मर्रा की,
इसमें बहुत ज़्यादा निकोटीन की मात्रा की होती है और ये हमारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक होती है। लेकिन हिंजा टी से हमें क्या क्या प्राप्त होने वाला है यह आप इसको पीकर ही सब बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, वजन कम करने में इससे हमें सहायता मिलती है और इससे हीमोग्लोबिन की मात्रा भी मिलती है। ठीक है दोस्तों, इसमें हम गुड़ भी डाल देते हैं, जितना आपको अच्छा लगे उतना आप गुड़ डाल सकते हैं। जितना आप ज़्यादा मीठा पीना चाहें ज़्यादा डालिए, कम मीठा चाहे पीना चाहें कम डालिए। दोस्तों देखिए इसमें उबाल आ गया है, हम 5 मिनट के लिए इसे कम कर देते हैं, इसे 5 मिनट के लिए पका लेंगे। देखिए दोस्तों अभी हमारी चाय तैयार होने वाली है। देखिए अभी हमारी चाय बंद तैयार हो गई है और हम इसको फ्लेम बंद कर देते हैं और हम इसको छान लेते हैं। दोस्तों ये वो ऑप्शनल है, आप डालना चाहे डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहे मत डालिए। ये देखिए दोस्तों, इससे भी आपको रोग प्रतिरोधक क्षमता मिलती है। बस आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, अब आप हिंजा टी पीकर अपने को स्वस्थ बनाइए, खूब तंदुरुस्त रहिए और अपना स्वास्थ्य लाभ उठाइए।